Assalamualaikum जी, this is Nua Malik and we are here right now with Ayaz Sammo at Door to Life fundraising camp right in front of Dolmen Mall DHA Karachi. Let's hear what Ayaz has to say about the fund. Assalamualaikum, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तानियों को हमारी ज़रूरत है, इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर वो इलाके जो इस वक्त सैलाब की जद में हैं, वो लोग जो इस वक्त परेशान हैं, हमें साथ मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। हम कोई बड़ी डोनेशन आपसे एक्सपेक्ट नहीं करें, अपनी पॉकेट मनी से भी अगर आप कुछ देना चाहें, कतरा कतरा समंदर बनता है। बस इसमें एक चीज़ हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हम पर ट्रस्ट करें, क्योंकि हम वाकई जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारे एक ट्रिप हो चुका है इंटीरियर सिंध का, नेक्स्ट ट्रिप हमारे इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लान है। तो ये सामान हम वैसे भी इकट्ठा कर चुके हैं, सामान हम लेके हैं। और मैं एक और बात भी आप लोग बताना चाहती हूँ कि अयाज सम्मो इज़ वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफिशियली ऑन पेपर्स विद डोर टू लाइफ एंड he has a hand in everything that we do from the operations to the fundraising to executing the plan. हम जा रहे हैं घारों, सात दिन बाद यहाँ से, और घारों से केटी बंदर जा रहे हैं, घारों से केटी बंदर जा रहे हैं। या तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग केटी बंदर से वहाँ के फैक्ट्रीज को किसी तरीके से घारों में बुलाएंगे ताकि हम एक महफूज मुकाम पे उनको बुला के उनको सारी चीज़ें फराहम कर सकें। अच्छा, केटी बंदर में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लोगों की कश्तियाँ जिनसे उनकी ज़िंदगियाँ चलती हैं वो सारी डूब चुकी हैं और उनकी सारी ज़िंदगी की जो जिसे कहते हैं ना कमाई, वो सारी मलिया मेट हुई, बल्कि उनके कमाई का तरीका जो उनका रोज़गार था वो छिन गया उनसे। तो हम रिहेबिलिट करने की कोशिश करेंगे, जितना हमारी तरफ से होगा हम उनको डोनेट भी करें हैं, लेकिन हम उनके साथ भी खड़े हैं। बहुत शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेजिंग आप लोगों ने हमारे साथ करनी है ताकि हम बड़े स्केल पर ये सारे काम कर सकें।